स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक मास्टर में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बारे में। तो बेसिकली जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है, पहले हम उसको जानते हैं। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो बताती है कि इन ए कंप्यूटर साइंस ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए डाटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, डाटा ऑर्गेनाइज करेगा, वो डाटा को मैनेज करेगा एंड स्टोरेज फॉर्मेट दैट इनेबल्स एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। और क्या करेगा, जो भी उसका स्टोरेज का फॉर्मेट है उसे वो इनेबल करता है किस चीज़ के लिए, एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों इसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो बहुत ही आसान है कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं। डाटा स्ट्रक्चर हम बोलते हैं जो डाटा को ऑर्गेनाइज करे, डाटा को मैनेज करे और उसका जो स्टोरेज फॉर्मेट है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली यानी कि प्रॉपर वे में उस डाटा को एक्सेस कर सके, यानी उसे कहीं पे शो कर सके और उस डाटा को मॉडिफाई कर सके अगर उसमें कोई एरर है तो। तो ये था दोस्तों इसकी डेफिनेशन। अब अगर मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो उसे हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे साइड में एक बुक शेल्फ देख सकते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये जितनी भी बुक्स हैं उनको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, तो आप सोचेंगे और उसको क्या करेंगे, बुक्स को अरेंज कर देंगे। यहाँ पे हम बुक्स को तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं और वो जो हमारा अरेंजिंग प्रोसेस है उसे ही हम बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ पे आप इन बुक्स को देखेंगे जहाँ पे पॉइंटर है आपका, ये बुक्स क्या है, वर्टिकली है। अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बुक्स को वर्टिकली रखा है, फिर एक बुक यहाँ पे कैसे रखी है, हॉरिजॉन्टली रखी है, फिर कैसे रखी है, वर्टिकली रखी है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम के अंदर दो वे में क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल वे। और थर्ड वे क्या है बुक को अरेंज करने का, वो है डायगनली, यानी कि बुक को हम वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी अरेंज कर सकते हैं और डायगनली भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे तीन फॉर्मेट है या तीन वे हैं बुक को अरेंज करने के, इसे ही हम बोलेंगे डाटा स्ट्रक्चर। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम हमारे इस बुक शेल्फ के अंदर अप्लाई करें तो यहाँ पे मैं डाटा को जो है बुक से क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। तो अगर अब हम इस डेफिनेशन को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया डाटा को मैंने रिप्लेस कर दिया बुक से, तो बुक की ऑर्गेनाइजेशन यानी बुक को ऑर्गेनाइज करना, तो मैंने बुक को ऑर्गेनाइज कर दिया वर्टिकल वे में, हॉरिजॉन्टल वे में और डायगनल वे में। और फिर उसे मैनेज करना, मैनेज करना यानी कि अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कौन से कॉलम में बुक्स को वर्टिकल रखना चाहता हूँ, कौन से में हॉरिजॉन्टल और कौन से में डायगनली। और थर्ड या फिर लास्ट आता है हमारा इसमें मॉडिफिकेशन या फिर एफिशिएंट एक्सेस। अब मॉडिफिकेशन जो है वो भी मेरे ऊपर है, मैं जो हूँ इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने फर्स्ट और सेकंड कॉलम में बुक्स को वर्टिकली रखा, थर्ड में हॉरिजॉन्टल और फोर्थ के अंदर डायगनली। अब मैं इसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, किन्हीं भी दो कॉलम को या एक कॉलम को क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि जो वर्टिकली मेरे फर्स्ट और सेकंड कॉलम में थे मैं उसे मॉडिफाई करके सेकंड और थर्ड में भी रख सकता हूँ। ऐसे ही डायगनली और वर्टिकल वाले जो थे इन्हें भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी बहुत ही ईजी डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।